नमस्कार, मैं प्रिया। आज है 2 जुलाई। चले जानते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों को। बिहार में कोविड-19 प्रभावितों की संख्या 10,000 के पार। बिहार में कोविड-19 प्रभावितों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। बिहार स्वास्थ्य विभाग के द्वारा बीते दिन जारी किए गए दूसरे अपडेट तक 217 नए मरीजों की पुष्टि की गई है, जिसके बाद बिहार में प्रभावितों की कुल संख्या 10,205 हो गई है। पाए गए मामले में प्रभावित जिलों की बात करें तो अररिया में 3, औरंगाबाद में 2, बांका में 5, बेगूसराय में 7, भागलपुर में 11, भोजपुर में 4, दरभंगा में 5, गया में 5, गोपालगंज में 5, जमुई में 6, कैमूर में 5, कटिहार में 8, खगड़िया में 1, किशनगंज में 7, लखीसराय में 3, मधेपुरा में 3, मधुबनी में 16, मुंगेर में 4, मुजफ्फरपुर में 1, नालंदा में 8, नवादा में 6, पश्चिम चंपारण में 12, पटना में 23, पूर्वी चंपारण में 3, पूर्णिया में 4, रोहतास में 4, सहरसा में 11, समस्तीपुर में 3, सारण में 1, शेखपुरा में 3, शिवहर में 1, सीतामढ़ी में 2, सिवान में 19, सुपौल में 15, यूएस नगर में 1। वहीं दूसरी तरफ कोविड-19 से ठीक होने वालों की अगर हम बात करें तो इसमें बढ़ोतरी देखी गई है। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से बीते दिन जारी किए गए शाम 4 बजे तक के अपडेट के अनुसार अब तक कुल मिलाकर बिहार में इससे 7,811 मरीज ठीक हो चुके हैं। वहीं कोविड-19 से अब तक 73 लोगों की जान जा चुकी है। संभावित बाढ़ वाले क्षेत्रों में वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट बनाए हुए हैं नजर। जैसे जैसे मॉनसून का असर देखने को मिल रहा है, वैसे वैसे बारिश भी कई इलाकों में देखी जा रही है, जिसकी वजह से बाढ़ के आने की संभावना भी काफी ज्यादा बढ़ गई है। सिर्फ यही नहीं, नेपाल और आसपास के क्षेत्र इलाके में हो रही बारिश ने भी बाढ़ की संभावना को और ज्यादा बढ़ा दिया है, जिस पर अब नजर बनाने के लिए वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट तैनात है। इसके साथ ही वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट ने सभी आम नागरिकों की सहूलियत को देखते हुए ट्विटर पर मदद मांगने का विकल्प दिया है, जिसके तहत यदि आपके इलाके में कहीं भी तटबंध में कटार या फिर किसी भी तरीके की परेशानी दिखती है तो सुरक्षा कार्य की जरूरत हो तो ट्विटर पर #HelloWRD के साथ सूचित कर सकते हैं। इस बार के विधानसभा चुनाव में होगी अनोखे अंदाज में वोटिंग। इस बार के विधानसभा चुनाव में बहुत कुछ बदला नजर आने वाला है। कोविड-19 के बढ़ते प्रभाव के कारण वोटिंग पूरी तरीके से बदली देखेगी, जिसके तहत चुनाव आयोग ने भी अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। मिली जानकारी के अनुसार ईवीएम को छुए बिना वोटिंग के लिए टूथपिक के बराबर बांस की लकड़ी, पोलिंग ऑफिसर के टेबल पर शीशे की दीवार, डिस्पोजेबल सिरिंज से उंगलियों पर निशान जैसे उपाय पर सोच विचार किया जा रहा है। हालांकि कोविड-19 के इस माहौल में इस बार चुनाव का आयोजन करवाना बेहद ही चुनौतीपूर्ण रहने वाला है। इसी के लिए चुनाव आयोग हर संभव विकल्प के बारे में सोच विचार कर रही है। नीतीश कुमार ने सभी योग्य परिवार को राशन कार्ड जल्द से जल्द मुहैया करवाने की कही बात। कोविड-19 के इस माहौल में जहां राशन कार्ड धारियों को आसानी से मुफ्त में भोजन उपलब्ध करवाया जा रहा है, वहीं जिन लोगों के पास राशन कार्ड नहीं है उन्हें काफी सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसी को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सभी योग्य परिवारों को जल्द से जल्द राशन कार्ड मुहैया करवाने का आदेश जारी कर दिया है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उक्त आदेश अपने आवास पर आयोजित समीक्षा बैठक के दौरान दी है। चुनावी साल में बिहार के 1.5 करोड़ बिजली उपभोक्ताओं को मिलेगी राहत। इस साल बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं, वहीं चुनाव को लेकर तैयारियों का सिलसिला भी जोर शोर से देखने को मिल रहा है। मिली जानकारी के अनुसार इस चुनावी साल में बिजली कंपनी ने राज्य के करीब 1.5 करोड़ घरेलू उपभोक्ताओं को पेनल्टी माफ करने का निर्णय सुनाया है, जिसके परिणाम स्वरूप अब साउथ बिहार और नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी ने स्वीकृति के लिए अधिक खपत करने वाले घरेलू उपभोक्ताओं का जुर्माना माफ करने का आदेश सुना दिया है, जिसके लिए साउथ बिहार नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी ने विद्युत नियामक आयोग के पास स्वीकृति के लिए प्रस्ताव भेज दिया है। अनलॉक के दूसरे चरण में बिहार सरकार ने जारी की जरूरी गाइडलाइन। बीते दिन से समूचे भारत में अनलॉक के दूसरे चरण की शुरुआत हो चुकी है, जिसके बाद बिहार सरकार ने भी इसी के तहत जरूरी दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। बिहार सरकार की तरफ से जारी किए गए गाइडलाइन के अनुसार 1 जुलाई से 31 जुलाई तक केंद्र सरकार की तरफ से जारी किए गए जरूरी गाइडलाइन का पूरा तरीके से पालन किया जाएगा। सभी शॉपिंग मॉल्स और दुकान पर ग्राहकों का मास्क पहनना अनिवार्य होगा, साथ ही वाहन चालकों के पास भी मास्क का प्रयोग करना आवश्यक होगा। इतना ही नहीं, रात के 10 बजे से सुबह 5 बजे तक के लिए पूरी के संबंध का पालन करने का आदेश सुना दिया गया है। हाईकोर्ट ने 94,000 प्राइमरी शिक्षक बहाली पर लगाई रोक। शिक्षक बनने वाले सभी अभ्यर्थियों के लिए अहम सूचना। हाईकोर्ट ने 94,000 प्राइमरी शिक्षक बहाली पर फिलहाल रोक लगा दिया है। खबरों की माने तो पटना हाईकोर्ट ने प्राथमिक शिक्षक बहाली पर रोक लगाने का फैसला सुनाया है। शिक्षक बहाली प्रक्रिया के नियमों में बदलाव के विरोध में दायर याचिका पर हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान यह फैसला सुनाया है। अनिल कुमार उपाध्याय ने याचिका पर सुनवाई करते हुए प्रतिक्रिया पर पूरी तरीके से रोक लगाने का आदेश जारी किया है। कोर्ट ने साफ तौर पर कहा है कि शिक्षक बहाली के नियमों में बदलाव करने का अधिकार किसी को नहीं है, तो सरकार बहाली प्रक्रिया के नियमों में बदलाव कैसे कर सकती है।
विधान परिषद के नव निर्वाचित सदस्यों ने लिया शपथ। बीते दिन विधान परिषद के सभी 9 नव निर्वाचित सदस्यों ने शपथ ले लिया है। मिली जानकारी के अनुसार इनके शपथ ग्रहण के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी विधान परिषद सभागार में मौजूद दिखे। वहीं इन सभी सदस्यों ने कार्यकारी सभापति अवधेश नारायण सिंह के सामने शपथ ग्रहण किया है, जिसके तहत जदयू की तरफ से गुलाम गौस, भीष्म सैनी और डॉक्टर कुमुद वर्मा, भाजपा की तरफ से संजय मयूख और सम्राट चौधरी, राजद की तरफ से रामबलि सिंह, फारूक शेख और सुनील कुमार सिंह, कांग्रेस की तरफ से समीर सिंह ने शपथ ग्रहण किया है। बिहार में सार्वजनिक जगहों पर मास्क लगाना हुआ अनिवार्य। बिहार में सार्वजनिक जगहों पर अब मास्क लगाना अनिवार्य हो गया है, क्योंकि बीते दिन से बिहार में अनलॉक 2 की शुरुआत हो चुकी है। ऐसे में लोग कोविड 19 को बहुत हल्के में लेने लगे हैं और बिना मास्क के सभी जगह पर घूमते नजर आ रहे हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं चलेगा। बिहार सरकार के सभी जिलाधिकारियों को आदेश जारी कर दिया गया है कि बिना मास्क वाले लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कदम उठाया जाए। अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद रघुवंश प्रसाद सिंह ने मीडिया से की बातचीत। कोविड 19 से संक्रमित हुए राजद के प्रदेश उपाध्यक्ष रघुवंश प्रसाद सिंह ने अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद मीडिया से बातचीत की है, जिसके तहत उन्होंने कहा कि पहले से काफी बेहतर महसूस कर रहा हूं। एम्स के डॉक्टरों ने मेरा काफी ख्याल रखा है। अभी राजनीति पर कुछ नहीं कहूंगा, मेरा पूरा ध्यान अपने स्वास्थ्य के ऊपर है। डॉक्टरों को धन्यवाद देता हूं कि कोविड 19 के इस माहौल में उन्होंने मेरी इतनी ज्यादा मदद की है। जिस तरह से सरहद पर सेना है, उसी तरह डॉक्टर माहौल में लगे हुए हैं और डटे हुए हैं। नवनिर्मित कोसी महासेतु पर ट्रेन का सफलतापूर्वक हुआ ट्रायल। उत्तरी बिहार के लोगों का इंतजार अब बस खत्म होने वाला है। नवनिर्मित कोसी महासेतु पर ट्रायल के तौर पर ट्रेन का परिचालन सफल हुआ है, जिसके बाद जल्द ही सेतु पर ट्रेनों के परिचालन की संभावना बढ़ गई है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, 23 जून को महासेतु पर पहली बार ट्रेन को सफलतापूर्वक चलाया गया था। वहीं नवनिर्मित यह पुल कोसी महासेतु बिहार के मिथिलांचल को कोसी क्षेत्र से जोड़ेगा। सुशांत सिंह राजपूत के मामले में सलमान खान, करण जौहर और एकता कपूर पर मामला हुआ दर्ज। सुशांत सिंह राजपूत के जाने के बाद बॉलीवुड सेलिब्रिटीज लगातार निशाने पर आ रहे हैं। इसी क्रम में बीते दिन एक बार फिर से बिहार के हाजीपुर जिले में बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान, करण जौहर, संजय लीला भंसाली, आदित्य चोपड़ा और एकता कपूर समेत 7 के नाम पर परिवाद दायर कर दिया गया है। इससे पहले मुजफ्फरपुर में भी इन सभी हस्तियों के नाम पर मामला दर्ज किया गया था, जिसके बाद अब हाजीपुर में भी एक मामला दर्ज कर दिया गया है, जिस पर सुनवाई के लिए कोर्ट ने 3 जुलाई की तारीख तय की है। पटना से निकलने वाली उड़ानों का नया शेड्यूल हुआ जारी। अनलॉक के दूसरे चरण में पटना से निकलने वाले सभी विमानों के नए शेड्यूल को जारी कर दिया गया है, जिसके तहत 1 जुलाई से 24 अगस्त के लिए जारी किए गए नए शेड्यूल के तहत दिल्ली से पटना के बीच में 10 जोड़ी विमान उड़ान भरेंगी और मुंबई के लिए 4 जोड़ी उड़ान उपलब्ध होंगी, जिसकी पूरी सूची विमानन कंपनी की तरफ से जारी कर दी गई है। यानी कि कुल मिलाकर पहले के विमानों को और अभी के शेड्यूल विमानों को मिला दें तो कुल मिलाकर 21 जोड़ी विमान पटना से उड़ान भरेंगे। बिहार बोर्ड इंटर नामांकन की प्रक्रिया 8 जुलाई से होगी शुरू। कोविड 19 के माहौल के बीच बिहार बोर्ड ने इंटरमीडिएट सत्र 2020 से लेकर के 22 तक के नामांकन की प्रक्रिया 8 जुलाई से शुरू होने की अधिसूचना जारी कर दी है, जिसके तहत बिहार बोर्ड ने साफ तौर पर बताया है कि नामांकन के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा। हालांकि इससे पहले बोर्ड ने यह तारीख 1 से 10 जुलाई के बीच में निर्धारित की थी, मगर अब 8 जुलाई से नामांकन प्रक्रिया शुरू करवाने का आदेश जारी किया गया है, जिसमें सभी अभ्यर्थी 8 जुलाई से 17 जुलाई के बीच में नामांकन दर्ज करवा सकते हैं। इसके लिए सभी अभ्यर्थियों को बिहार बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट www.ofssbihar.in पर जाकर आवेदन भरना होगा। बिहार के कई जिलों में परिवहन पदाधिकारी का हुआ तबादला। बिहार के कई जिलों में परिवहन पदाधिकारी का तबादला हो गया है। मंगलवार को BDO से लेकर शिक्षा विभाग में बड़े स्तर पर ट्रांसफर पोस्टिंग की प्रक्रिया देखी गई थी। 300 से अधिक इंजीनियरों का भी तबादला किया गया था। परिवहन विभाग में भी देखें तो जिलों के DPO का ट्रांसफर किया गया है। लंबे समय से पटना के DTO रह चुके अजय कुमार ठाकुर को जहानाबाद का DTO बना दिया गया है। पटना के DTO के पद पर पुरुषोत्तम को पदभार सौंप दिया गया है। सिवान के DTO रहे कृष्ण मोहन सिंह को सारण का जिला परिवहन पदाधिकारी चुना गया है। वहीं सारण के प्रतिनिधि को हाजीपुर का DTO बनाया गया है। डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरमेंट की तरफ से जारी की गई प्रतियोगिता के विजेता के नाम की हुई घोषणा। डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरमेंट की तरफ से जल जीवन हरियाली के तहत प्रतियोगिता का आयोजन करवाया गया था, जिसके तहत सभी विजेताओं के नाम की घोषणा कर दी गई है, जिसमें आशुतोष कश्यप, सौरभ कुमार सिंह, ऋतिक कुमार, शिल्पी विनीता सिंह चौहान, प्रिंस कुमार ठाकुर का नाम शामिल है, जिसके तहत डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरमेंट ने साफ साफ लिखा है कि 50 दिन में 50 पर्यावरण से जुड़े सवालों का जवाब सही सही इन लोगों ने दिया है। जल्द ही इन सभी लोगों को पुरस्कार का वितरण कर दिया जाएगा।
बिहार के कई इलाकों में आज होने वाली है तेज बारिश। पूरे बिहार में मॉनसून का असर जोर शोर से देखने को मिल रहा है। वहीं मौसम विभाग की तरफ से जारी किए गए पूर्वानुमान के अनुसार प्रदेश में अभी 2-3 दिनों तक भारी बारिश तो कहीं कहीं रुक रुक के बारिश होने की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग की तरफ से जारी किए गए रिपोर्ट के अनुसार आज राजधानी पटना में हल्की बारिश होने की संभावना जताई गई है। इसके साथ ही उत्तर बिहार में तेज बारिश होने के संकेत दे दिए गए हैं। खासकर मुजफ्फरपुर जिले में भारी बारिश की संभावना बन रही है। वहीं भागलपुर, खगड़िया, जमुई और लखीसराय में देर रात तक बारिश होने की बात कही गई है। चुनाव आयोग ने 3 साल में जमे अधिकारियों को हटाने का जारी किया निर्देश। इस साल बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं, वहीं इसको लेकर के तैयारियां अभी जोर शोर से की जा रही है। इसी क्रम में चुनाव आयोग ने बिहार के निर्वाचन पदाधिकारी और मुख्य सचिव को पत्र लिखकर कहा है कि स्वच्छ और कदाचार मुक्त चुनाव को लेकर एक ही जिले में जमे 3 साल या उसके ऊपर के अधिकारियों का तबादला किया जाए। अधिकारी जिन पर आयोग ने दागी चिन्हित किया है उन अधिकारियों पर भी उचित निर्णय लिया जाए। वैसे अधिकारी जिनकी पदस्थापना 2020 में 3 साल पूरा होने वाली है उन पर सभी अधिकारियों को भी ट्रांसफर कर दिया जाए। उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने इस साल जल जमाव से पटना के नहीं डूबने की कही बात। उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने बीते दिन सचिवालय के सभागार में आयोजित बैठक की अध्यक्षता करते हुए साफ तौर पर इस बात का संकेत दिया है कि इस बार पटना में जल जमाव के कारण किसी भी तरीके की परेशानी उत्पन्न नहीं होगी। जिसके तहत उन्होंने बताया है कि पटना के सभी 9 बड़े नालों की सफाई कर ली गई है। निगम क्षेत्र के 14,49,000 फीट लंबे खुले नाले, 44,144 मैनहोल और 36,050 कैचपिट की उड़ाही भी कर ली गई है। इसी का नतीजा है कि जून के आखिरी सप्ताह में हुई बारिश के बावजूद अधिकांश इलाके में जल जमाव देखने को नहीं मिला है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सरकार पर लगाए आरोप। कोविड-19 के बढ़ते माहौल के बीच राजनीति भी जोर शोर से देखने को मिल रही है। इसी क्रम में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी बीते दिन सरकार को एक बार फिर से आरोप लगाया है, जिसके तहत उन्होंने कहा है कि कोरोना के इस माहौल में देश की सबसे असक्षम बिहार सरकार 12 करोड़ बिहारियों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। 4 महीने बाद भी बिहार में कोविड-19 जांच के क्रम में सबसे पीछे है। संक्रमण बहुत तेजी से बढ़ रहा है, कोई जांच ढंग से करवाए नहीं जा रहा है, ना ही रैंडम सैंपलिंग की जांच हो रही है। सरकार ने सभी लोगों के साथ खिलवाड़ करना शुरू कर दिया है। राजद ने अब्दुल बारी सिद्दीकी को बनाया अपना प्रधान महासचिव। विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटे राजद नेता तेजस्वी यादव ने अब्दुल बारी सिद्दीकी को पार्टी का नया प्रधान महासचिव बना दिया है। कमरे आलम के राजद को छोड़ने के बाद यह पद खाली हो गई थी, जिसके बाद अब इस पद पर अब्दुल बारी सिद्दीकी को कार्यभार सौंपा गया है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, अब्दुल बारी सिद्दीकी साल 1977 में बिहार के बेहड़ा विधानसभा क्षेत्र से पहली बार विधायक बने थे, जिसके बाद से उन्हें लालू प्रसाद यादव का खासम खास माने जाते हैं। इतना ही नहीं, अब्दुल बारी सिद्दीकी ने महागठबंधन में वित्त मंत्री का पदभार भी संभाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भोजपुरी वाले ट्वीट पर राजनीति हुई शुरू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भोजपुरी में किए गए ट्वीट पर राजनीति जोर शोर से देखने को मिल रही है। दरअसल बीते दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भोजपुरी अंदाज में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के बारे में ट्वीट किया था, जिसके बाद अब राबड़ी देवी और तेज प्रताप यादव ने टिप्पणी की है। तेज प्रताप यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस ट्वीट को चुनाव से जोड़ दिया है, तो वहीं राबड़ी देवी ने कहा है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी, जून महीना में बिहार में मात्र 35.3% वितरण भइल बा। अब रउआ ई बताई, ऐसे गरीब के 2 जून के रोटी मिली, गरीब लोग के राहुल भाषण ना राशन चाहिए। प्रियंका चोपड़ा ने अमेजॉन प्राइम के साथ साइन किया $1 मिलियन डील। प्रियंका चोपड़ा जल्द ही वैश्विक स्तर पर टेलीविजन की दुनिया में देसी कंटेंट शुरू करने वाली है। इसके लिए उन्होंने अमेजॉन के साथ $multi-million फर्स्ट लुक टेलीविजन डील साइन किया है, जिसकी जानकारी उन्होंने खुद साझा की है और बताया है कि अब भाषाओं की सीमा को खत्म करते हुए वो शानदार कंटेंट तैयार करने वाली है। इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी बताया है कि वो प्रोड्यूसर होने के नाते मैंने हमेशा भाषा और भूगोल के बावजूद कंटेंट बनाने के लिए दुनिया भर से एक साथ आने वाली रचनात्मक प्रतिभा के लिए एक खुले कैनवास का सपना देखा। BSNL और MTNL ने 4G का टेंडर किया कैंसिल। BSNL और MTNL ने 4G के टेंडर को कैंसिल कर दिया है। जानकारों की माने तो BSNL और MTNL यह फैसला सरकार की तरफ से चीनी सामान नहीं खरीदने के आशय में ले रही है, जिसके परिणाम स्वरूप अब कंपनी जल्द ही दोबारा से इस टेंडर को पेश करेगी। साथ ही इस टेंडर में भारतीय तकनीकी को बढ़ावा देने के लिए प्रावधान भी शामिल करेगी। इसके साथ ही सरकार ने 59 चीनी ऐप्स को भी बंद करने का फैसला कुछ दिनों पहले सुनाया था। शशांक मनोहर ने ICC चेयरमैन के पद से दिया इस्तीफा। लगातार दूसरी बार ICC के चेयरमैन के पद पर चुने गए शशांक मनोहर ने पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने कुल 4 साल तक इस पद की जिम्मेदारी निभाई है। वहीं शशांक मनोहर के इस्तीफे के बाद ICC के डिप्टी चेयरमैन इमराज ख्वाजा को कार्यकारी चेयरमैन नियुक्त कर दिया गया है। मिली जानकारी के अनुसार अगले चेयरमैन के चुनाव की प्रक्रिया को अगले सप्ताह ICC बोर्ड को ही मंजूरी मिलने के बाद करवाया जाएगा। तब तक इमराज ख्वाजा ही उनके कार्यभार को संभालेंगे। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे
यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है विक्रम यादव, दिव्यांशु कुमारी, अनिल कुमार, प्रीतम कुमार, ज्योतिष कुमार, पंकज कुमार, राजीव कुमार, रवि राजपूत, उत्तम कुमार, हरेंद्र राम, मंटू कुमार, रविंद्र सिंह, अरुण सिंह, सौरभ जान मांझी, सुजाता कुमारी। इसके अलावा हमारी टीम को और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे मगर समय के अभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए, लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार बिहार सरकार द्वारा कोविड 19 के बचाव के लिए मास्क लगाने के फैसले को अनिवार्य करना कितना जरूरी है और कितना सहायक साबित होगा? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। अगर आप ये वीडियो हमारा YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, और अगर आप ये वीडियो हमारा Facebook पर देख रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।